दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम कार्ड के बारे में। अगर आप भी एक सिम कार्ड यूजर हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपकी आईडी पर इस समय कितने नंबर चल रहे हैं। कहीं ऐसा नंबर तो आपकी आईडी पर नहीं चल रहा है जो आप यूज नहीं करते, आप इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कोई दूसरा पर्सन आपके उस नंबर को, आपकी आईडी के नंबर को इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि इस समय अगर आप सोशल मीडिया पर चेक करेंगे तो रोज किसी ना किसी पर्सन के साथ नया फ्रॉड होता है, नया स्कैम होता है। और जो स्कैमर होता है वो अपनी आईडी का सिम नहीं यूज करता है, किसी दूसरे पर्सन की आईडी के सिम को वो इस्तेमाल करता है। और जब भी पर्सन के साथ स्कैम हो जाता है, स्कैम होने के बाद जब भी पुलिस उस नंबर की डिटेल्स को पता करती है, उस नंबर के ओनर के नेम को पता करती है, तो वो नंबर किसी दूसरे पर्सन के नाम से निकलता है और ऐसे में बेचारा वो पर्सन बेमुफ्त में फंस जाता है जिसके भी नाम पर वो सिम होती है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं आप लोग किस तरह से ऑनलाइन ही अपने मोबाइल की मदद से ये चेक कर सकते हैं कि आपकी आईडी पर कितने नंबर चल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये नंबर मैं यूज नहीं करता तो उस नंबर को आप ऑनलाइन ही एक रिक्वेस्ट को भेज करके नंबर को बंद करा सकते हैं। वेल, ये सब से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अपनी आईडी पर चल रहे नंबर को चेक करने के लिए या फिर किसी भी नंबर को बंद कराने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है। इसके बाद आपको अपने ब्राउजर में सर्च करना है टेफकोप। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, वेबसाइट को ओपन कर लेना है। दोस्तों आप सभी को बता दें टेफकोप पोर्टल सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल की मदद से आप अपने सिम के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। अब इस पोर्टल में सबसे पहले आपको उस मोबाइल नंबर को एंटर करना है जो भी आपके पास इस समय मौजूदा हालत में है और आपकी आईडी से ही वो नंबर लिया गया है। इसके बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी को भेजा जाएगा, उस ओटीपी को चेक करना है। ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना है, इसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके आईडी कार्ड से जितने भी मोबाइल नंबर चल रहे होंगे सभी की लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब आपको यहां पर बारीकी से चेक करना है, आपकी आईडी से ही सारे नंबर लिए गए हैं ये, तो चेक करना है कोई ऐसा मोबाइल नंबर तो नहीं है जो मैं इस्तेमाल नहीं करता, कोई दूसरा पर्सन इस्तेमाल कर रहा हो। तो किसी भी नंबर को चेक करने के लिए मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको दिए जाते हैं, इनको आपको अपने नंबर से मैच करा लेना है। और अगर आपके नंबर से ही मैच नहीं करते तो कोई दूसरा पर्सन आपके नंबर को यूज कर रहा है आपकी आईडी से। तो मेरी आईडी पर भी एक ऐसा नंबर है जो मैं यूज नहीं करता और उस नंबर को मैं बंद कराना चाहता हूं। तो उस नंबर को बंद कराने के लिए सिंपल करना क्या है, उस नंबर पर आपको यहां पर कंसेंट देना है। कंसेंट देने के बाद आपको नोट रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा नेम ऑफ यूजर, इसमें आपको आना है और यहां पर उस नेम को आपको टाइप करना है जो भी बंदा इस नंबर को यूज कर रहा है, या फिर आप उस नाम को भी टाइप कर सकते हैं जिसके भी नाम से ये सिम लिया गया है, यानी कि ओनर के नेम को आप टाइप भी कर सकते हैं। नाम को एंटर करने के बाद नीचे आना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप जैसे ही रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नंबर आपको टिकट आईडी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, इस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। अब आपकी कंप्लेंट को भेज दिया गया है। कंप्लेंट आपकी जैसे ही सक्सेसफुल हो जाती है और इसके कुछ दिनों के बाद आपकी आईडी से इस नंबर को हटा दिया जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें आपको जो भी टिकट रेफरेंस नंबर मिला है इस नंबर की मदद से आप अपने स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी आईडी से वो नंबर अभी हटाया गया है या फिर नहीं। तो अपने स्टेटस को चेक करने के लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक या कैंसिल का, तो आपको उस 6 डिजिट के ट्रैकिंग नंबर को यहां पर एंटर कर देना है। इसके बाद ट्रैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग ट्रैक करते हैं तो इसका स्टेटस आपको चेक करने के लिए यहां पर मिल जाएगा। वैसे भी दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं यूपी में आपकी आईडी पर सिर्फ 9 ही सिम चल सकते हैं और 9 से ज्यादा आप लोग यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई ऐसा नंबर लगता है जो आप यूज नहीं करते तो उसे आप लोग बंद जरूर करा लें। वैसे आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी आईडी पर क्या कोई ऐसा नंबर चल रहा है जो आप इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली ऐसी किसी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियो के साथ।